सरकार द्वारा एक भी नियुक्ति नहीं निकाली गई है। सर इनसे यही देखने को मिल रहा है कि सर हम लोग का आगे का भविष्य भी पता नहीं क्या होगा। जब से ये स्टार्ट हुआ तब से आज तक इस समय 40 साल हो चुका है और पूरे लगभग 1200 स्टूडेंट के मेरिट और कैरियर के साथ पूरी तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। केवल आश्वासन दिया जाता है और कुछ भी कार्य नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं livecities.in। बेरोजगारी को लेकर यूं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के साथी हैं। ये कहते हैं कि बेरोजगारी को हम दूर करेंगे और वो कहता है कि बेरोजगारी को हम दूर करेंगे। आज जब पटना की जनता से हम बात कर रहे थे तो कुछ युवाओं से हम मिले जो कि ये बात कह रहे थे कि वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि वो भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वहाँ से पास आउट हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है। भागलपुर, आपको बता दें कि भागलपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि एकमात्र ऐसा कॉलेज है पूरे बिहार में जो कृषि यंत्र की पढ़ाई करवाता है। उसी के छात्र हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे और उनसे ही पूरे मामले की तफ्तीश करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ, आप बताइएगा कहाँ से आप लोग आए हैं? हम समस्तीपुर से आए हैं, मेरा नाम बबलू कुमार है। हम लमसम 2016 में पास किए हैं और इसकी इतना दुर्दशा ख़राब है क्या बताएं। हमने सीनियर से बात किए, खासी कॉलेज से प्रिंसिपल साहब से बात भी किए तो बोला कि इसकी वैकेंसी आएगी। हमने विभाग में बात लेटर भी लिखे हैं और उसके साथ जो है जब हमने पटना कितना बार जनता दरबार में भी मंत्री साहब से मिले, सीएम साहब से मिले तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन देता है, आश्वासन मतलब। अपने कॉलेज का पहले नाम बताइए जी। राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर बरारी, कृषि थ्री इयर्स डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती है वहाँ पढ़ाई और यह पढ़ाई 1970। दोबारा आपके पास आएंगे लेकिन अभी आप ये बताइए कि पूरा मुद्दा क्या है, शॉर्ट में बताइए, फिर हम बाकी लोगों से ही बात करेंगे। जी मुद्दा ये है कि इसकी पढ़ाई जो है 1977 से हो रही है और आज तक एक भी सीट जो है किसी भी कृषि स्तर पर, यानी यांत्रिकरण की बात करते हैं, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल की बात करते हैं, सरकार द्वारा एक भी नियुक्ति नहीं निकाली गई है। और बार बार आने पर सरकार के उच्च अधिकारी, खास करके हम सीएम साहब की बात करते हैं, अभी हम जस्ट आज के दिन में हम कृषि मंत्री से मिले तो उनके चैम्बर में जाते हुए हमने बोले सर ऐसे ऐसा बात है, हम भागलपुर से आए हैं और हम आपसे कई बार मिल चुके हैं फिर भी आप अनदेख कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है क्या बात है, तो हमने कहा कि सर फिर आप वही बात पूछ रहे हैं। तो हमने जब उनसे पूछे तो वो तुरंत बोले कि आप इनसे मिलिए और वहाँ का जो अधिकारी थे वो कहता ठीक है देखेंगे, इसके अलावा कुछ मतलब एक्शन और रिएक्शन ना सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बनते हैं। क्या पूरा मुद्दा है, क्या बैठा? हम लोग 2011-14 सेशन के बैच में पास आउट स्टूडेंट हैं। 2011-14 सेशन में, हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ है, डिप्लोमा एग्रीकल्चर ये भागलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक से पास आउट हैं और 2014 से लेके 19 तक 5 साल से हम लोग जनता दरबार 3 बार आ जा चुके हैं, नीतीश कुमार से मिल चुके हैं पर्सनल, और तीनों बार मिले हैं, तीनों बार का ये कॉपी है, बार बार लेटर वही फॉरवर्ड होता है, वहीं पर रहता है लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं होता है कि हम लोग का वैकेंसी निकाला जाएगा। बार बार नीतीश कुमार तारीख दी हुई है, 4/5/2016 की तारीख दी हुई है, 14 में पास आउट में है, उसके बाद 15, 16, 17, 18 ये सब जनता दरबार हम 3 से 4 बार जा चुके हैं। अरे एक बार आश्वासन मिला है सीएम से? हम लोग आश्वासन यही मिलता है वैकेंसी निकाला जाएगा, दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं सुनवाई हुआ है और ना ही दिया गया है इस वजह से। आप कह रहे हैं कि आपके मुद्दों को नहीं उठाया जाता है लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव बेरोजगारी हटाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव तो इधर मतलब नया नया चेहरा है, हम लोग उससे पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी कहीं भी दूर का हमको तो नहीं लग रहा है और सेंट्रल में भी वैकेंसी वगैरह कहाँ, मात्र एक ही कॉलेज एक ऐसा है भागलपुर जहाँ से कि एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पर कि पॉलिटेक्निक का एग्रीकल्चर से किया जाता है 3 साल का कोर्स। और जब से ये स्टार्ट हुआ तब से आज तक एक भी स्टार्ट हुआ है बताइए, 1977 के लगभग लगभग 40 साल पूरे हो चुके, लगभग 40 साल, लगभग हजारों स्टूडेंट अभी तक में, लगभग कितने स्टूडेंट पास आउट होते हैं? लगभग 30 स्टूडेंट का एडमिशन होता है, उसमें से 10 15 20 या इतना स्टूडेंट पास करते हैं, तो अभी तक उसका एक भी वैकेंसी नहीं निकला। इसके विषय में इससे पहले 2009 में इसके लिए सीनियर लोग जो बात यहाँ किए थे, इसके विषय में थोड़ा सा मुद्दा आगे भी गया था, 2012 में आके ये मुद्दा दब गया और उसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे, कृषि मंत्री से भी मिले और उसके बाद ये जो पदाधिकारी थे। और अभी तक केवल आश्वासन ही मिला है, हम लोग कहीं भी जाते हैं प्रेम कुमार से मिलते हैं तो बोलते हैं कि अगला मीटिंग में हम ये मुद्दा को रखेंगे,
हम ये बामेती के प्रधान से भी मिले तो वो बोलेंगे अगला मीटिंग में ये सब मुद्दा रखेंगे, लेकिन कहीं भी मिलने के बाद केवल यही सुनने को मिलता है कि मुद्दा रखेंगे, आप लोग का वैकेंसी आएगा और बिहार में सभी जगह निकल रहा है वैकेंसी। बीएससी एग्रीकल्चर का वैकेंसी निकला था लेकिन उसमें पॉलिटेक्निक को एक भी सीट नहीं दिया गया, जबकि हम लोग को भी उसमें कुछ मिलना चाहिए था, नहीं मिला उसमें। इस पूरे मुद्दे पर देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा है कि हर पार्टी अपनी रोटी सेक रही है, लेकिन आप लोग जस के तस हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि ये जो परियोजना के अंतर्गत जो है बिहार कृषि डिप्लोमा के अंतर ये थोड़ा सा दिखाइए हम अपने कैमरा। हाँ, ये देखिए कृषि विभाग का लेटर है, इस कागज में आप देख सकते हैं कि इनके पास सारे कागज हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, ये सारी चीजें इसमें हैं। ये मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए हैं, वहाँ पर अपनी बात रखी है, उसके अलावा ये कृषि मंत्री प्रेम कुमार से भी मिले हैं, हाई कोर्ट की तरफ भी गए थे, ये हाई कोर्ट की तरफ भी रुख किया था इन्होंने, हाई कोर्ट का भी इनके पास फैसला है, उसकी प्रतिलिपि इनके पास है। हम इनसे आग्रह करेंगे कि अगर हाई कोर्ट की इनके पास प्रतिलिपि है तो हाई कोर्ट की प्रतिलिपि को भी ये फोकस करें। अपने कैमरामैन से हम अनुरोध करेंगे थोड़ा सा हाई कोर्ट की हेडलाइन को थोड़ा सा फोकस करें, और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना सिविल रिट जुडिशन केयर नंबर 1983/2011। आप देख सकते हैं इस तरह से सीरियल वाइज इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम आगे भी फोकस करेंगे। फिलहाल आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो सारे कागजात इन बेरोजगार युवाओं के पास हैं, इन कागज़ को आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो लड़ाई है, जो इनकी बेरोजगारी को लेकर इनकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं ये सही तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं निकल पा रहा है, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के नाम पर अपनी रोटी सेक रही हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही हैं बेरोजगारी के नाम पर। प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि बेरोजगारी दूर हुई है, उनके सहयोगी भी यही बोलते हैं कि बेरोजगारी दूर हुई है, लेकिन बेरोजगारी कहाँ पर दूर हुई है ये तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बेरोजगार जो युवा हैं वो आज भी इस बारिश के मौसम में भी अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं, मंत्रियों के दरवाजे के सामने दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं है, भीग रहे हैं। फिलहाल अभी हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर, राजनीति होती है, क्या कहेंगे? हाँ, राजनीति बिल्कुल होती है, और ये जो है ये कृषि की पढ़ाई 1977 में एक बिहार सरकार की कृषि परियोजना के अंतर्गत चालू हुई थी, जिसके अंतर्गत भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पे कृषि अभियंत्रण से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है, फिर त्रिवर्षीय डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई होती है। और यहाँ पे जो है, जबकि ये इस मुद्दे पर जो है हमारे जो है सीनियर लोग 2007 से जो है अभी तक वैकेंसी एक भी नहीं आई है, 2007 से जो है काफ़ी समय तक मुख्यमंत्री से, प्रधान सचिव से, जो है कृषि मंत्री से बार बार मिला जा रहा है, लेकिन इस पे केवल आश्वासन दिया जाता है और कुछ भी कार्य नहीं होता है। इसके कारण जो है 2011 में कुछ जो है हम ही लोग के ब्रांच के जो है सीनियर लोग केस किए हुए थे हाई कोर्ट में, जो है पिटीशन दायर किए थे, जो कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, हाई कोर्ट के तरफ से ये कहा गया कि इन लोग का जो है मांग उचित है और ये लोग को विभिन्न विभागों में, कृषि के विभिन्न विभागों में ये लोग का वैकेंसी निकाला जाए, ये हाई कोर्ट का आदेश था। हाई कोर्ट के आदेश को कृषि विभाग ने माना या नहीं माना? नहीं, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं, केवल आश्वासन आया था। ये आदेश जो है 30 नवंबर 2018 को आया था, 2018 को आया था, उसके बाद भी इस पर कोई पहल कोई नहीं, भी पर पहल नहीं हो रही है, जस के तस हम लोग बार बार आते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जो है कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है और जो वैकेंसी नहीं आ रहा। हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, और कृषि पे इतना ज़्यादा मतलब कि प्रोजेक्ट निकाला जा रहा है, इतना सारा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आए दिन देखते हैं कि कृषि मंत्री रोज रोज नए नए प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, नई नई स्कीम्स निकालते हैं, नई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। आप कहाँ से आए? मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, मेरा नाम विकास कुमार है। कुछ दिन पहले हम पेपर में ऐड देखे थे कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं स्टूडेंट खोजने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा नीतीश कुमार का कहना था, लेकिन हम लोग देखिए रोड पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग आप लोग खड़े हैं लेकिन शायद नीतीश कुमार को आप लोग दिखाई ना दें, शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, यही बात है। आप कहाँ से आए? जी मैं पटना से हूँ, और मेरी सरकार से बस यही अनुरोध है कि बस हम लोग पर ध्यान दें और वैकेंसी जल्द से जल्द निकाला जाए।
आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से हैं। हम राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर से कृषि अभियंत्रण की पढ़ाई करता हूँ और मैंने काउंसलिंग में आप अपीयरिंग में है? अपीयरिंग में है। कोई समस्या मिल रही है देखने? हाँ बिल्कुल मिल रही है। और मैंने DCC के रिजल्ट में काउंसलिंग हुआ था ना, तो उसमें मैंने कृषि अभी आपके जो सीनियर लोग हैं जिस तरह से वो अभी दर दर भटक रहे हैं, क्या उनको देखकर आप कहीं ना कहीं आपका उत्साह जो है वो कम हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है। कि क्यों आ गए कृषि क्षेत्र में? हाँ पॉलिटेक्निक कर रहे। हाँ आप कहाँ से आए हैं? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हैं और भागलपुर पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं हम लोग। कृषि अभियंत्रण लिए हुए हैं और हम ये लास्ट फाइनल ईयर है हम लोग का। और हमको भी इस तरह लग रहा है कि इसके बाद बेरोजगारी का ही उठाना ही पड़ेगा हम लोग का। सरकार का ये जो रवैया है कितना इससे आप लोग के अंदर आक्रोश आ जाएगा? आक्रोश तो पता ही नहीं चलता कि किस तरह का होगा, लेकिन ये पता चल रहा है कि हमको इसके बाद फिर जिस तरह हम लोग का सीनियर भटक रहा है उस तरह हम लोग भटकेंगे फिर। कैसा भविष्य देख रहे हैं अपना, जो कंडीशन है वर्तमान? वर्तमान हमको लग रहा है बहुत खराब चलने जाने वाला भी है। कहाँ से आए आप? हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से कर रहे थे? भागलपुर पॉलिटेक्निक से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं। और हम लोगों के सीनियर्स को देख के ये लग रहा है कि हम लोगों का भविष्य भी अंधेरा में है। सरकार चाहती तो आप लोगों का जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो सकता है? हाँ सरकार चाहेंगी तो उज्जवल हो सकता है। एक और सरकार बोलती है कि भारत के कृषि पर। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो क्या सरकार के कान में जाकर बोलेंगे? हाँ जरूर बोलेंगे, हम कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश। कहाँ से आए आप? सर हम बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है और भागलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक से एग्रीकल्चर कोर्स कर रहे हैं। ये मेरा फाइनल ईयर है। और सर इसको आपके सीनियर अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं उनसे? सर इनसे यही देखने को मिल रहा है कि सर हम लोग का आगे का भविष्य भी पता नहीं क्या होगा। ऐसे तो हम लोग इंटर करने के बाद 3 साल इसमें बर्बाद किए, अब आगे जाएंगे उसमें क्या होगा, मतलब आगे का सर कोई स्कोप ही हम लोगों को नहीं दिख रहा। कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। कहाँ से आए आप? सर हम पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं और भागलपुर पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं। मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं अपीयरिंग स्टूडेंट हूँ। और मैं अपने सीनियर को देखते हुए यही आश्वासन लगा रहा हूँ कि सरकार हम सभी बच्चों का जो कि 1977 से पढ़ रहे हैं और इस समय 40 साल हो चुका है और पूरे लगभग 1200 स्टूडेंट के मेरिट और कैरियर के साथ पूरी तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ किया जा रहा है। और सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें भी वोट देने का अधिकार है। और इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए। हम आज विभाग में सचिवालय में आकर प्रधान सचिव से मिलते हैं तो कृषि विभाग के प्रधान सचिव कहते हैं। क्या नाम है उनका? प्रधान सचिव का नाम क्या? प्रधान सचिव का नाम सुधीर कुमार है और हमने आज उनसे मिला तो उनका कहना है कि हम इसके बारे में विभाग से बातें करते हैं। लेकिन ये आश्वासन हमारे सीनियर एवं पिछले 20 वर्षों से सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। बातें होती है, काम नहीं होता है। जी सर केवल बातें। इनके पास हर हफ्ते हम लोग आते हैं, बस एक आश्वासन है अगली बार आओ हम विभाग से बातें करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग प्रधान सचिव से खुलकर बातें किए, कुछ आक्रोश में बातें किए तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी सर को बुलाए। और ऐसा तो नहीं है जो चुनावी माहौल है इसी वजह से सिर्फ आश्वासन मिला है? चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार को ये गौर करना चाहिए कि इन बच्चों पर ध्यान दिया जाए। आश्वासन देते हैं कि इस पे काम होगा। बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के ऊपर राजनीति हो रही है। इन युवाओं के आप चेहरे देख सकते हैं कि ये युवा कल का भविष्य है। इन युवाओं पे अगर आज ध्यान नहीं देंगे तो कल को नुकसान झेलना पड़ सकता है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो NDA की सरकार हो, चाहे वो UPA की सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, लेकिन अगर इनके हक की बात होगी या जनता के हक की बात होगी, मीडिया यानी हम हर उस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। इनके हक की लड़ाई अगर है तो हम उसमें उनका साथ देंगे। अगर हमारा ये आज का पब्लिक ओपिनियन जो कि विशेषकर भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बेरोजगार युवाओं के ऊपर था, अगर ये पसंद आया तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप LiveCities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, LiveCities पटना।